झुमका पटियाले वाला ईयर विच ऐसा डाला मेरी ब्यूटी के आगे सारे स्वागड़ल I'm a sexy Barbie girl, I'm a sexy Barbie girl, shining beauty like a pearl, I'm a sexy Barbie girl. आज हमारे साथ फिल्म तेरा इंतज़ार है कि म्यूज़िक कास्ट हमारे साथ है, तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनका जो फिल्म आया है, गाना आया है बारबी गर्ल, तो उसके बारे में उनसे बात करते हैं. मैम, आपका जो सॉन्ग आया है बारबी गर्ल, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि सनी लियोनी है इसमें. जी, अभी तक मैं जो गाती हूँ उससे डिफरेंट सॉन्ग है ये, और अभी लोगों को पसंद भी आ रहा है. जैसा कि अभी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है गाना, कल टीज़र भी ट्रेंड कर रहा था, और अभी तक टीज़र कल रात में शायद रिलीज़ हुआ था, उसके बाद भी अभी अच्छे खासे व्यूज़ आ गए, तो अभी ओवरऑल पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि लग रहा है कि सब अच्छा ही जाएगा, फिंगर्स अक्रॉस. जैसे कि बेबी डॉल आया था, अभी बारबी गर्ल आया है, तो आपको क्या लगता है उसको बीट कर पाएगा या नहीं? देखिए, बेबी डॉल की तो मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, कनिका कपूर ने गाया है उस गाने को, और बहुत ही अच्छा गाना था, तभी वो आज तक सब गा रहे हैं, और आज भी किसी भी पार्टी फंक्शन में चले जाए वो गाना बजता ही है. हमारे लिए ये है कि हमारा गाना बीट करे ना करे, हमारा गाना भी एक ऐसा अपनी एक पहचान बनाए, अपना एक जगह बनाए, कि जैसे सब बेबी डॉल के लिए बोलते हैं, वैसे बोले बारबी गर्ल भी एक गाना है. जैसे कि आपके बन्नो तेरा स्वेटर, वो जो सॉन्ग बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो, उसके लिए आपको अवार्ड भी मिला, तो आपको क्या लगता है ये सॉन्ग भी उतना ही हिट कर पाएगा? मैं एक तो जब से बन्नो तेरा स्वैगर आया, तब से मैं सबको, मेरा मेन चैलेंज ये रहता है कि सबको बताना है कि भाई स्वेटर नहीं, स्वैगर है. अभी आपने भी स्वेटर बोला, तो मैं एक बार क्लियर करें, स्वैगर है. और देखिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इट वाज एन ऑनर फॉर मी कि मुझे बन्नो के लिए अवार्ड मिला. फर्स्ट ईट डुएट आपका होता है, और आप एक्सपेक्ट कुछ नहीं करते, बस इतना करते हैं यार लोग पसंद कर लें, और उसके बाद आपको अवार्ड भी मिल जाता है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है. अभी बारबी गर्ल के लिए भी मैं इसका, लेकिन मेरा मेन अवार्ड जो मेरे लिए होता है वो पब्लिक को पसंद आना चाहिए. गाना हिट हो गया, मेरे सबसे बड़ा अवार्ड है वो. और बाकी जब आप काम अच्छा करते हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी आर्टिस्ट हो किसी भी फील्ड का, उसको एक रहता है यार अप्रिशिएशन मिल जाए तो क्या बात है, अगर वो मिलता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. आशु सर के साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है, मतलब कि उनके साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे, मैं इनको राज भैया बोलती हूँ, और इनको बहुत परेशान करती हूँ, बहुत परेशान, मतलब मुझसे ज़्यादा परेशान को कोई नहीं करता, और ये भी मुझे बहुत, मेरी बहुत टांग खींचते हैं. तो हमारा एक ऐसा रिलेशनशिप है, तो टिपिकल वो भाई बहन होते हैं जो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं वैसा है. बट जब गाने की बात आती है तो हम दोनों ही बहुत सीरियस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा भिड़ करके काम करते हैं. इन्होंने बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन किया है. इनफैक्ट अभी जितने भी एल्बम्स रिलीज़ हो रहे हैं, जितने भी म्यूज़िक आ रहे हैं मूवी के, मतलब इनका ये जो है पूरा फर्स्ट से लेकर लास्ट ट्रैक के सारे ओरिजिनल्स हैं, कोई रिमिक्स नहीं, कुछ नहीं, सब इनकी खुद की कॉम्पोजिशन है, इनका खुद का क्रिएशन है, जो कि आज के टाइम पे बहुत कम देखने को, सुनने को भी हम लोग को मिल रहा है ओरिजिनल सॉन्ग्स का एक जो सेट होता है. तो वो इन्होंने इससे वो ये लेकर आए हैं, और सारा गाना, मतलब मैंने तो बारबी गर्ल गाया है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस सारा गाना, इनफैक्ट टाइटल ट्रैक, दिल तेरी बाहों में महरूम रहता है, खाली खाली दिल, सारे मेरे फेवरेट हैं. तो मैं इनको बोलती भी रहती हूँ कि आपका गाना आने दीजिए, मैं सबसे पहले कवर करूँगी. आशु सर, आपसे जानना चाहेंगे कि स्वाति मैम के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस. देखिए, स्वाति के साथ काम करके मेरे, मुझे एक होता है ना जुझारूपन, उसके अंदर इतना ज़्यादा है, मुझे सब सीखने को मिलता है, वो एक चीज़ में लगी रहती है, जब तक वो 100% नहीं होता तब तक उसको छोड़ती नहीं है वो, तो वो मुझे इससे सीखने को मिला. और बहुत एक्साइटेड थी ये, और कई बार ऐसा होता था कि इसको ऐसा करते, इसको कई चीज़ें ये खुद से डिज़ाइन करती थी गाते गाते, और हमें लगता था अरे वाह यार हमने किया तो उससे अच्छा किया, तो बहुत मज़ा आया. सॉन्ग को डायरेक्ट करते वक्त आप लोगों को किस तरह की परेशानी आई, या फिर कैसी कैसे सॉन्ग्स में? देखिए, जब सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा था तो परेशानी नहीं कहेंगे, क्योंकि उस दौरान यशराज में रिकॉर्डिंग थी, और स्वाति को गाना गाना था, और सनी लियोनी भी थी वहाँ पे, अरबाज भाई भी थे वहाँ पे, प्रोड्यूसर थे, और काफ़ी लोग थे, इतने एक्साइटेड थे वो सनी लियोनी से मिलने के लिए, गाने के लिए. तो एक ये चैलेंज हो रहा था उस दौरान कि हम कैसे रिकॉर्ड करें, क्योंकि इस गाने को थोड़ा स्पेस चाहिए था, डिज़ाइन करना था. तो फाइनली फिर धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा, सब मिलकर फ़ोटो खिंचा के जाने लगे, देन हम रिकॉर्ड किए, गाना रिकॉर्ड हुआ. चैलेंजेस ये था कि देखिए टिपिकल साउंड ना लगे, क्योंकि क्या है, ऐसा गाना, जैसे कहा सनी लियोनी का नाम आता है, आइटम सॉन्ग आता है, आइटम सॉन्ग का नाम आता है बेबी डॉल आता है, और कई गाने आते हैं, तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करना था. और स्वाति ने उस गाने का एक नया स्ट्रक्चर बनाया, जो मैं, स्वाति एंड शब्बीर भाई हम लोग सोच रहे थे कि एक जगह पे ये गाना जाए, तो वैसा करते 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 फिर लील गोलू ने इस पर रैप किया,
उसने भी अपना डिज़ाइन करके बोला कि ऐसा कुछ करते हैं ऐसा कुछ करते हैं, सबका इन्वॉल्वमेंट था। तो टफ था जर्नी, क्योंकि एक अच्छी चीज़ को बनाने में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, लेकिन फाइनली मैं गॉड को थैंक्स बोलूँगा कि वो हमारी पूरी टीम ने लग करके काम किया और वो अच्छा हुआ। मतलब जैसे कि आप सब जानते हैं, शब्बीर सर ने इतने बड़े बड़े सॉन्ग्स लिखे हैं, इतने हिट सॉन्ग्स दिए हैं, तो उनके साथ काम करके आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा था? शब्बीर सर के साथ काम करना तो मेरे लिए एक ड्रीम की तरह था, क्योंकि जब मैं मुंबई आई थी तो मैंने उनका कांटेक्ट कैसे कैसे निकाला, एक घड़ी वाले से उनका नंबर मांगा, उसने संभव बोला कि हमारे पास जो कस्टमर है वो शब्बीर अहमद है, इतने बड़े लिरिसिस्ट, तो मैंने बोला भाई नंबर दे दे, तो मैंने ऐसे करके उनका नंबर लिया, उनको फ़ोन किया, उनको बोला सर आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, आपसे मिलना चाहती हूँ, और ही इज़ वेरी स्वीट, बहुत डाउन टू अर्थ है, तो तुरंत उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया, मुझे बुलाया, मिले मुझसे, और एक वहाँ से जो हमारा काम का सिलसिला चालू हुआ, स्क्रैचेस करते 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 करते, तो अब ये गाना आ रहा है हमारा। देखिए मैंने बोला ना शब्बीर सर को मैं सबसे पहले थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि मैं इस फिल्म में उन्हीं के कारण हूँ, उन्होंने ही मुझे बोला कि राज करते हैं ऐसी फिल्म है, ये गाने करेंगे हम, और बतौर लिरिसिस्ट ही नहीं, वो हर जगह पे मुझे गाइड करते रहे, एक एल्डर ब्रदर हो करके कि मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम टेंशन मत लो, इसको चेंज करते हैं ऐसा करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इतने हिट नंबर्स लिखने के बाद, इतने सारे कंपोजर्स के साथ काम करने के बाद, वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और उनका वो जो पैशन है काम के प्रति अभी भी उतना ज़्यादा ही है, उससे ज़्यादा, मतलब कई बार तो मैं सोचता था अरे बाप रे ये आदमी कितना पैशनेट है कि बिल्कुल रात 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, लेकिन वो काम पे लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला।